अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत को जेनोफोबिक के प्रति अत्यधिक नापसंदगी का डर रखने वाला बताया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय विदेश मंत्री ने बाइडेन की टिप्पणी को खारिज कर दिया। जयशंकर ने बताया कि भारत विभिन्न समाज के लोगों का स्वागत करता है, ये देश मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। एक साक्षात्कार में जयशंकर ने इस आरोप का भी खंडन किया कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम ये दर्शाता है कि भारत हर समाज के लोगों का स्वागत करता है। 2 अप्रैल को जो बाइडेन ने कहा था कि भारत, चीन, रूस और जापान की जेनोफोबिक प्रकृति ही उनकी आर्थिक परेशानियों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वे अपनी धरती पर अप्रवासियों का स्वागत करता है। बाइडेन ने यह बयान राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए वाशिंगटन में फंड रेजिंग कार्यक्रम के दौरान दिया था। बाइडेन ने कहा कि रूस और चीन के साथ जापान की भी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है अगर ये भी अपनी धरती पर अप्रवासियों का स्वागत करने लगे। बाइडेन के इस बयान पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया। उन्होंने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा नहीं रही। जयशंकर ने आगे कहा, भारत हमेशा से एक अनोखा देश रहा है। मैं वास्तव में कहना चाहता हूं कि एक ऐसा देश रहा है जिसने सभी का स्वागत किया है। विभिन्न समाज के विभिन्न लोग भारत में आते हैं। जयशंकर ने बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम इसका उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।